सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं IPL 2024 का मैच नंबर 72 जो खेला जाने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। तो स्पेशली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रैंडली की टीम्स एंड कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, जैसे मैच स्टैट्स, वेदर रिपोर्ट, प्लेयर्स इन्फो एंड उसी के साथ रोटेशंस, हाई वैल्यू प्लेयर्स को ड्रॉप करने का रिस्क और लो वैल्यू प्लेयर्स को टीम में रखने का रिस्क, ये सारी चीज़ की हम लोग इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैच स्टैट्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि हर मैच की ग्रैंडली की टीम शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो के रूप में आपके पास पहुँचाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी फाइनल अपडेट्स होते हैं वो हम लोग टेलीग्राम पे कवर करते हैं एंड स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की टीम्स वहीं पे आपको मिलता है। तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं मैच की तरफ। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जब यहाँ पे खेली थी लास्ट मैच गुजरात टाइटंस सामने, तो विल जैक्स थे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर राशिद खान, वो काफ़ी गंदा मार मारा था एंड 100 बनाया था वहाँ पे, लेकिन वो एक डे गेम था जिस कारण पिच थोड़ी सी ड्राई थी। लेकिन अंडर द लाइट्स यहाँ पे चेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो जो टीम टॉस जीतेगी यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी, इसके लिए तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर बात कर ले हम लोग बॉलर्स में, तो देखिए पेस बॉलर्स को यहाँ पे काफ़ी अच्छा हेल्प रहता है और स्पिनर जो है वो सेकंड इनिंग में स्पेशल रोल में आते हैं, और वहाँ पे भी रोल में आने का उनका एक कारण आता है, थोड़ी सी यहाँ पे प्रेशर के कारण विकेट्स उनको मिल जाती है जिस कारण इनका रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी हल्का फुल्का आते हैं रोल में स्पिनर्स, लेकिन पेसर्स फर्स्ट इनिंग के इनिशियल ओवर्स में काफ़ी अच्छे यहाँ पे फॉर्म में दिखते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें तो 170 से 180 तक एवरेज देखा गया है, लेकिन मतलब लगभग मैचेस में 200 तक इजीली पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो देख सकते हैं लास्ट 5 मैचेस की टीम परफॉर्मेंस क्या है। तो RR जहाँ एक मैच सिर्फ नहीं हुआ था लास्ट वाला, उसके सामने यहाँ पे लगातार 4 मैचेस हारते हुए आई है, और उसी के सामने कंटिन्यूसली ये यहाँ पे 6 मैचेस जीतते हुए आई है। लास्ट वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लगातार 6 मैचेस जीते हुए आई है, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। प्लस यहाँ पे इनको हम लोग इस मैच में फेवरेट्स रखते हुए चलेंगे। RR थोड़ी सी यहाँ पे वीक दिख रही है, जॉस बटलर नहीं है, बाकी बैटिंग डिपार्टमेंट उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, रियान पराग और सिंधू सैमसन को छोड़ दे तो थोड़ी सी यहाँ पे ये अनफेवरेट्स रहेगी। RCB यहाँ पे फेवरेट्स रहनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे, देखिए पिच रिपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, वही चीज़ है कि बैटिंग ट्रैक रहने वाला है, पेसर्स को हेल्प रहने वाला है, और वेदर रिपोर्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि सनी डे लिखा हुआ है। एंड कल के मैच में भी देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो आने की कोई चांस नहीं थी, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैच गया था कल वाला। और उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं 9 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स 6 लिए हैं, स्पिनर्स 3 लिए हैं, और एवरेज स्कोर 170 से 180 तक देखा जा सकता है। बात कर लेंगे यहाँ पे स्टेट रिकॉर्ड्स की, तो 12 मैचेस खेले गए जिसमें से यहाँ पे राजस्थान ने 4 मैच जीते हैं, और RCB यहाँ 7 जीत के बैठी है। एंड प्लस ये पॉइंट रहेगा कि RCB ही फेवरेट्स रहेगी, तो जो बॉलर ट्रेडिंग करते हैं RCB पे यहाँ पे आँख बंद कर लगा सकते हैं, RCB काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है बैट से एंड बॉल दोनों से। तो यहाँ पे मेरी टीम्स रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी टीम रेडी है, तो हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं इस मॉल की टीम। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेंगे कि कौन कितना ओवर करेगा एंड मतलब कौन कितना ओवर करेगा एंड कौन ओवर बॉलर्स डेड ओवर्स में आएंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे राजस्थान की बात कर लेंगे, एक सेकंड, तो देखिए राजस्थान जल्दी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए लगभग ये सारे यहाँ पे चार ओवर करते हुए दिखेंगे, नौकिया वगैरह खेलते हैं तो अच्छी बात है, 4 ओवर ये करेंगे। आवेश खान 4 ओवर, संदीप शर्मा 4 ओवर, ट्रेंट बोल 4 ओवर, और अश्विन और चहल यहाँ पे चहर अगर खेलते हैं तो ये भी अपने लगभग 4 ओवर, वरना यहाँ पे अश्विन अपने लगभग 4 ओवर करते हुए जाएंगे। डेड ओवर्स की बात कर ले तो संदीप शर्मा, आवेश खान, और देखिए नोकिया बर्गर खेलते हैं तो नोकिया बर्गर और आवेश खान इन दोनों को करना चाहिए। फिलहाल समझिए आवेश खान और नोटिया बर्गर हम लोग मान के चलेंगे। RCB की टीम की बात कर ले तो देखिए RCB की टीम में ना एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि ग्रेन मैक्सवेल को 1 से 2 ओवर मिलने की चांसेस है, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए इनके सामने जो है यहाँ पे बैट्समैन ये ऑल्सो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के सामने आते हैं, लेकिन जो यशस्वी जायसवाल है इनके साथ इनका बैटल बहुत खतरनाक है। जायसवाल इनको एकदम ऑफ ब्रेक बॉलर को यहाँ पे कुछ समझते नहीं है, काफ़ी गंदा इनके सामने इनका रिकॉर्ड है, और जायसवाल वो काफ़ी कुत्ता लंबार मारते हैं, तो हो सके एकाध ही ओवर करते हुए दिखे या फिर वो भी ना मिले, और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉप रहेगा आज के मैच में क्योंकि बैटिंग ही बहुत नीचे आ रही है और नीचे आएंगे। एंड देखिए जो चहल है इनका बैटल इनके साथ रहता है, इनके साथ दिनेश कार्तिक के साथ, इन दोनों साथ यहाँ पर रहता है बैटल। कैमरन ग्रीन है लगभग 3 से 4 ओवर करते हुए दिखेंगे, यश दयाल अपने लगभग पूरे 4 ओवर करेंगे, मोहम्मद सिराज लगभग 4 ओवर करेंगे, लकी फर्गसन अपने 4 ओवर करेंगे, और एक जो बात है यहाँ पे करण शर्मा 2 से 3 ओवर डिवाइड होते हुए दिख सकते हैं, एस सिंह लगभग 2 से 3 ओवर में डिवीज़न यहाँ पे देख सकते हैं, और कोई उतना ऑप्शन होगा नहीं, ग्रेन मैक्सवेल की एकाधी ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। हम लोग टीम की तरफ देख लेते हैं, एक सेकंड, हम यहाँ पे टीम एडिट नहीं किए थे।
तो विकेट कीपिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे एंड डिफॉल्ट पिक संजू सैमसन, और लगभग ये आपको हर टीम में दिखेंगे क्योंकि इनके पास जो स्कोर है ना वो काफ़ी अच्छी वाली है। एंड अभी सिर्फ फिलहाल 2-3 मैचेस से थोड़े से फ्लॉप थे, लेकिन स्कोर इनके पास 504 रन्स है 14 मैचेस में, एक मस्ट पिक रहेंगे आपके लिए। उसी के साथ दिनेश कार्तिक, एक बैटल काफ़ी खतरनाक है इनके सामने चहल का, तो जब भी ये बैटिंग करेंगे उस समय चहल से 2 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे तो दिनेश कार्तिक एक ड्रॉप करने लायक प्लेयर हो जाते हैं जो देंगे पॉइंट्स यहाँ पे विकेट कीपिंग से देंगे, एंड बैटिंग हो सके तो ना ही आई हमको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये पिच बैटिंग बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हैं, जो बैट्समैन हैं इनमें वो काफ़ी खतरनाक वाले हैं। यहाँ पे विराट कोहली मस्टर पिक, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताएंगे, पहले आगे बता देते हैं, यहाँ पे फाफ डुप्लेसी भी अच्छे खास ऑप्शन हो जाएंगे, रोटेशन करने लायक भी अच्छे खास ऑप्शन है। रजत पाटीदार लगभग 6 मैच में 5 50 है और अभी काफ़ी खतरनाक फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो इनको ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। 361 है 14 मैचेस में। ये शशि जायसवाल थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ी सी यहाँ पे 30-40 बोलने वाले थे कि विराट कोहली को क्यों यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक रोटेशन डालने लायक प्लेयर हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए इनका ना किसी प्लेयर के सामने बैटल नहीं है, लेकिन जब मूवमेंट रहता है ना तो संदीप शर्मा इनके लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। 87 है 67 बॉल्स पे, समझ सकते हो कितने बड़ी बैटल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 7 बार आउट हो चुके हैं संदीप शर्मा के सामने, तो वो एक चीज़ यहाँ पे रहेगा कि थोड़ी सी मूवमेंट होना तो विराट कोहली यहाँ पे थोड़े से घबराते हुए दिखेंगे संदीप शर्मा के सामने। भाई रिकॉर्ड्स देखे हम भी चौकित थे कि 87 बॉल्स पे 87 रन ही मारे हैं एंड 7 बार आउट हो चुके हैं, तो समझ सकते हो कितना बड़ा बैटल हो सकता है, और उतना कोई ऑप्शन अच्छा ऑप्शन होगा नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे हम बता देंगे, देखिए सिमरन हेटमायर ना यहाँ पे रिस्की ट्रम्प हो सकते हैं आपके लिए, क्यों? हेड टू हेड में इनका 47.25 की एवरेज है और वेन्यू पे 138.0 की एवरेज है, तो समझ सकते हो कि रिकॉर्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वही एक चीज़ ना कि बैटिंग नाउ नीचे है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, जिसके कारण ये एक हाई रिस्क की ट्रम्प हो जाते हैं, वरना ये प्लेयर काफ़ी खतरनाक है। अब अपने आप को अभी तक इंटरनेशनल में उतना अच्छा प्रूफ कर नहीं पाए हैं, तो इसलिए अब इनको ड्रॉप कर जाएगा, स्पेशली स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग की हम बात नहीं करें, ग्रैंड लीग में देखा जाएगा क्या करना है। बात कर ले यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो देखिए रियान पराग मस्टर पिक, और यहाँ पे कैमरन ग्रीन मस्टर पिक, बैटिंग बॉलिंग दोनों प्लस पॉइंट है इनका, इसलिए हम इनको रखे हैं। एंड रियान पराग की बैटिंग एंड फॉर्म काफ़ी अच्छी है, 531 रन है 14 मैचेस में। ग्रेन मैक्सवेल को यहाँ पे हम इसलिए ड्रॉप किए हैं, आपको बैटर बता दिए कि इनको बॉलिंग उतनी मिलेगी नहीं, प्लस यहाँ पे बैटिंग डाउन बहुत नीचे है, एंड अगर आए भी ना तो उतना कुछ स्कोर करेंगे नहीं, कंप्लीट आउट ऑफ फॉर्म है, तो एक परफेक्ट रोटेशन डाल सकते हैं आप इन पे। रविचंद्र अश्विन देखिए बॉलिंग से तो इनको पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, ये तो 100% है, क्योंकि पिच से बॉलर्स स्पिन बॉलर्स को उतना कुछ हेल्प है नहीं, जो पॉइंट्स देंगे ना यहाँ पे सिर्फ बैटिंग से देंगे, तो वो एक रिस्क रहेगा कि बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट ना दे दे। बॉलिंग सेशन की बात करें, देखिए बॉलिंग सेशन ना फाइनल टॉस के बाद ही हम लोग समझ में आता है किसको रखना चाहिए मेन, लेकिन अभी समझ गए डिफॉल्ट पिक्स में कौन रहने वाले हैं, तो यश दयाल और यहाँ पे संदीप शर्मा। संदीप शर्मा देख सकते हैं 25% सिलेक्शन है, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे विकेट जरूर चटकाएंगे 1-2। और उसी के साथ यहाँ पे मोहम्मद सिराज और ट्रेंट बोल्ट को भी हम फिलहाल रखे हुए हैं। चहल की चांसेस हैं कि 100% खेलेंगे। अवेश खान भी अच्छे खास ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि 1.5 ओवर में बॉलिंग करने आ रहे हैं तो विकेट्स इनको मिल सकते हैं। लकी फर्गीसन फर्स्ट इनिंग में मस्ट ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बॉलर काफ़ी खतरनाक है, एक्स्ट्रा पेस यहाँ पे देते हैं, एंड सामने में जो टीम है ना उसमें एक्स्ट्रा पेस से आउट होने वाले बहुत प्लेयर्स हैं, तो ये सारी चीज़ रहती है। नोटिया बर्गर देखो वही चीज़ है कि 1.5 ओवर में बॉलिंग करने आएंगे ना तो पक्का विकेट्स मिलेंगे ही, तो वही एक चीज़ के कारण यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, बाकी ड्रॉप कर जाएगा सेकंड इनिंग में, उतना कुछ खास करके देंगे नहीं। इस टीम के बात कर ले कप्तान एडवाइस करना, सबसे अच्छे ऑप्शन कौन रहने वाले हैं, तो विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार, तो तीनों सबसे बेस्ट ऑप्शन। एक्स्ट्रा डिफेंसर्स हैं जहाँ चाहें तो कैमरन ग्रीन हो जाएंगे, संजू सैमसन हो जाएंगे, क्योंकि अभी संजू सैमसन का थोड़ी सी फॉर्म यहाँ पर गड़बड़ दिखी थी। और बॉलिंग सेशन में बात कर ले तो यश दयाल काफ़ी खतरनाक बॉलिंग करके दे रहे हैं। संदीप शर्मा की चांस है कि 2-3 विकेट तो नहीं जाएगा, जहां तक हमको लग रहा है कि 2-1-2 विकेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रियान पराग भी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, और लेकिन वही एक चीज़ है ना कि थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगे, तो इस टीम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन में रहने वाले हैं विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, संजू सैमसन और यहाँ पे कैमरन ग्रीन। अब हम लोग बढ़ते जाए डायरेक्ट ग्रैंड लीग टीम की तरफ, एक सेकंड हम लोग एक बार ग्रैंड लीग टीम कंफर्म कर लेते हैं। तो ये एक टीम रहने वाली है जिसमें हम विकेट कीपिंग सेशन में संजू सैमसन को ही रखे हैं। दिनेश कार्तिक भी अच्छे ऑप्शन होंगे, आप चाहे तो रोटेशन डाल सकते हैं, किसको ड्रॉप करें, कोई एक बैट्समैन या फिर कोई एक बॉलर को ड्रॉप करके यहाँ पे दिनेश कार्तिक के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसके साथ यहाँ बैटिंग सेशन में बात कर ले तो देखिए विराट कोहली मस्टर पिक, फाफ डुप्लेसी मस्टर पिक, लेकिन वो बैटल जरूर याद रखिएगा संदीप शर्मा वाला। उसी के साथ रजत पाटीदार अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, यशोई जैसा को हम इसमें ड्रॉप किए हैं, थोड़े से हम कंफ्यूज हैं कि इनको रखें कि नहीं रखें, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। एक सेकंड रुकिए, और हाँ यहाँ पे हम इनको मेंशन कर लिए हैं,
और इनके जगह यहाँ पे महिपाल रोमरोल तो अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉलर्स हैं, चाहें तो जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे अश्विन हो जाते हैं जो इनके जगह यहाँ पे आप रोटेशंस डाल सकते हैं। तो उसके साथ यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो यही दोनों मस्टर्ड पिक रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सॉरी क्या नाम है यार रियान पराग को ड्रॉप करके मैक्सवेल साथ जा सकते हैं, लेकिन रियान पराग ड्रॉप करने लायक मटेरियल नहीं है। तो रोटेशंस में जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा कौन इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, लॉजिकली रिस्क लीजिएगा, बेफालतू में हम लोग को रिस्क नहीं लेना है। तो ग्रेन मैक्सवेल ड्रॉप करने लायक प्लेयर रहते हैं इस मैच के लिए, और उनके जगह चाहे तो आप यहाँ पे रविचंद्र अश्विन को लेके जा सकते हैं, बैटिंग से पॉइंट काफ़ी अच्छा दे सकते हैं ये। उसी के साथ बात कर ले बॉलिंग सेक्शन, देखिए फाइनल वही चीज़ हम बोले, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरआर बॉल फर्स्ट कर रही है, जिसके कारण थोड़ी सी मूवमेंट रहेगी, जिससे ट्रेंड बोल्ट थोड़े से यहाँ पे घातक साबित हो सकते हैं शुरुआती इनिंग्स में, इसलिए हम फाफ टू प्लेसी को सोच रहे थे ड्रॉप करने का इस टीम से, लेकिन अभी फिलहाल रखें हैं, लास्ट तक में देखेंगे क्या आता है फाइनल पिच रिपोर्ट। उसी के साथ यहाँ पे अवेश खान रखे हैं 2 ओवर्स के लिए, संदीप शर्मा रखे हैं 2 ओवर्स के लिए, यहाँ पे यश दयाल रखे हैं सेकेंड इनिंग में, इनका विकेट्स लेने का क्षमता बढ़ जाता है एंड काफ़ी टीम अभी कॉन्फिडेंस होगी, जिसके कारण इनको विकेट्स 100% मिलेंगे। इस टीम की यहाँ पे हम बात कर ले कप्तान नवाज कप्तान, देखिए हम वीसी में यहाँ इन चारों में से किसी एक साथ जा सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बॉलर लेंगे कौन लकी फर्गीसन हो गया, या फिर यहाँ पे मोहम्मद सिराज हो गया, तो उनमें से किसी के साथ जाएगा, वीसी जरूर जाएगा बॉलर के साथ। कप्तान में आप यहाँ पे जा सकते हैं विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी थोड़ा सा रिस्की हमको लग रहा है इस मैच के लिए, यहाँ पे रजत पाटीदार या फिर कैमरन ग्रीन, ये तीनों एक कप्तान के साथ बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। संदीप क्या नाम है संजू सैमसन भी अच्छे खासा ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन ग्रैंडली में बोले ना तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं कैमरन ग्रीन। तो ये एक टीम है वही, हम लास्ट टीम की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कहते हैं कि दोनों को हम यहाँ पे रखे हैं एंड उम्मीद करेंगे दोनों विकेट कीपिंग एंड बैटिंग दोनों से काफ़ी अच्छा पॉइंट देते हैं। उसी के साथ यहाँ पे बैटिंग सेशन में देखिए सबसे बड़ा रिस्क लिए हैं विराट कोहली को ड्रॉप करने का, संदीप शर्मा वाला मैचअप याद रखिएगा, हम फिर से आपको बोल रहे हैं एक या दो टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा विराट कोहली को ड्रॉप करने का, एंड वो करेंगे तो यहाँ पे आप 91% आदमी से आगे बढ़ रहे, तो वो चीज़ें जरूर दिमाग में रखिएगा। फाफ डू प्लेसी अच्छे ऑप्शन, रजत पाटीदार अच्छे ऑप्शन, यशस्वी जायसवाल ड्रॉप करने का प्लेयर, और यहाँ पे ड्रॉप करके आप किसान चाह सकते हैं रोमन पॉल, बैटिंग और भले नीचे है लेकिन यहाँ पे विकेट्स गिरे ना तो यहाँ पे आके संभालने का क्षमता है इनके पास, और अगर सिमरन हेटमैन खेलते हैं तो जरूर हम इस टीम के लिए यहाँ पे सिमरन हेटमैन को जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि HTH रिकॉर्ड्स और वैलिड रिकॉर्ड्स दोनों काफ़ी अच्छी हैं, हम आगे बता दिए हैं आपको, सॉरी पीछे वीडियो में आपको बता दिया है, जाके पीछे देख सकते हैं। बाकी आगे बात करें यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो देखिए रियान पराग एंड कैमरन ग्रीन दोनों तो आपको पता है कि मस्टर्ड पिक रहेंगे। उसी के साथ मैक्सवेल पे रिस्क ले सकते हैं, कैम लग रहा है मैक्सवेल आएंगे तो वो एक स्ट्राइक रेट के कारण पॉइंट्स काफ़ी अच्छा दे देंगे कैमरन ग्रीन के मुकाबले, तो ये भी एक लॉजिकली रिस्क ही हो गई, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। उसी के साथ यहाँ पे बात कर ले बॉलिंग सेक्शन में, तो फाइनल नहीं हमको पता है बॉलिंग सेक्शन, हम खुद बोलते हैं आपको कि हम खुद बॉलिंग सेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं टॉस के पहले टीम बनाने के लिए, तो वही एक चीज़ रहता है, इसलिए अभी फिलहाल हम ऐसे ही रख लिए हैं चारों को जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं जो डिफॉल्ट पिक्स हो सकते हैं आपके लिए, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे आप चाहें संदीप शर्मा को ड्रॉप करके अवेश खान साथ जा सकते हैं, क्योंकि 2 ओवर्स में बॉलिंग करेंगे ना तो इनको विकेट्स 100% मिलेंगे स्पेशली फर्स्ट इनिंग में, वो एक चीज़ ज़रूर समझिएगा आप लोग। तो इस टीम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन रहने वाले हैं यहाँ पे, ओहो सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे संदीप शर्मा कप्तान वाइस कप्तान का सबसे अच्छा ऑप्शन थे यहाँ पे जिसको ड्रॉप किए फिलहाल, तो संदीप शर्मा भले यहाँ पे परसेंटेज कम है एक मस्टर्ड पिक रहने वाले हैं आपके लिए ट्रम्प कार्ड इस मैच में, प्रेशर के कारण विकेट जरूर गिरेंगे, वो एक चीज़ जरूर समझिएगा आप लोग। फिलहाल अभी समझते हैं किसको उठाना है हम लोग को यहाँ पे, तो देखिए कप्तान के सबसे बेस्ट ऑप्शन में संजू सैमसन, फाफ डू प्लेसी और यहाँ पे रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, अरे हटो बे यार कैमरन ग्रीन हो गए, संदीप शर्मा, उसी के साथ अवेश खान रखेंगे टीम में, तो जरूर वीसी ट्राई कीजिएगा। हम स्पेशली आपको बोलते हैं कि ग्रैंडली खेल रहे हैं तो बॉलर्स पे जरूर कप्तान या फिर वाइस कप्तान जरूर रखिए, विकेट्स गिरे ना तो आपको बैट्समैन से ज़्यादा पॉइंट्स देखे जाएंगे, वो चीज़ आपको कब समझ में आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। और हम एक चाहते हैं कि ये थोड़ा सा विकेट्स गिरे, जो भी राजस्थान के बॉलर बैट्समैन है ना वहाँ पे 20-30 बना के जाएं एंड सिमरन हेटमायर आके यहाँ पे काफ़ी खतरनाक इनिंग खेल ले, वो एक ये हम चाहते हैं कि इस मैच में हो, इसलिए हम ऐसा टीम बनाए हैं सिमरन हेटमायर को मेंशन करके। तो ये मेरी फाइनल टीम हो गई, सॉरी 3 यहाँ पे मेरी टीम्स हो गई, जिसमें से एक थी 2 ग्रैंड लीग्स थी, और आगे अगर हम आगे टीम एक्सपेंड करते हैं तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे, तो जाके जल्दी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड बैटल जो जो हम आपको बताए हैं जरूर एक बार उसको दिमाग में रखिएगा, मेंशन जरूर कीजिएगा टीम बनाने समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।